हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल गूगल एड्स की। तो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, पूरा कंप्लीट सीरीज में आप लोगों के साथ में है, बिल्कुल डीप में जाके जो है इसको डीप डाइव करके हम सीखेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से जो है आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है गूगल एड्स का, और वहां पे जो 2000 रुपीज जो आपको दिए जाते हैं गूगल की तरफ से फ्री क्रेडिट के रूप में स्टार्टिंग में नए अकाउंट पे, तो वो कैसे आपको जो है यहाँ पे मिल सकते हैं। तो पूरा जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइज, अभी जो है सीधा मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहीं चल के जो है हम देखते हैं कि किस तरह से जो है नया फ्रेश अकाउंट क्रिएट करा जाता है, और 2000 रुपीज जो गूगल फ्री में देता है पहले, उनको किस तरह से हम क्लेम कर सकते हैं। सो गाइज, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले आपके पास में एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। तो मैंने जो है जीमेल आईडी अभी आपके लिए बिल्कुल फ्रेश क्रिएट करी है, राइट। और ये जीमेल आईडी पे के साथ में आपको क्या करना है, साइन अप करना है। सो बेसिकली अभी यहां पर जो है मैं वही ईमेल आईडी जो मेरी बनाई है उसको मैं यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहां पे गूगल पे हमने जाकर जो है सर्च करना है ads.google.com, और साथ ही साथ अगर आप 2000 क्रेडिट चाहते हैं तो आपको ये लेना है 2000 क्रेडिट वाला लिंक। तो यहां पर आएंगे तो यू कैन सी आपके पास में ये आ रहा है 2000 का क्रेडिट। इस पे लिंक पे आपको जब क्लिक करेंगे तो यू कैन सी यहां पर आपको जो है आपका ईमेल आईडी डालना है। तो मैं मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूं अभी, डिजिटल मंजीत tgm@gmail.com। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही ईमेल आईडी है कि नहीं। यही है, मैं एक बार यहीं से कॉपी कर लेता हूं और वापस जाके यहां पे जो है आपकी जो भी जीमेल आईडी है जो आपके पास एक्सेसिबल है उसको आपको यहां पे सेलेक्ट करना है, यहां पे टिक करना है, राइट। और फिर यहां पे गेट ऑफर पे आपको क्लिक कर देना है, राइट। सो यहां पे जैसे आप गेट ऑफर पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो पेज है वो रीडायरेक्ट अगर दूसरे पे हो जाएगा। ये मेरे पास इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज इस पे ऑलरेडी मेरे एड अकाउंट जो है वो चल रहे हैं, राइट। सो यहां पे अगर आप ऐसा करते तो आपके पास में जो आपका ईमेल है उसके अंदर आपके पास में कोड आएगा ईमेल के जरिए, राइट। और उसके बाद जो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जब आपका आ जाएगा तो आपको साइन इन पे अभी मैं क्लिक कर देता हूँ, आपका डायरेक्टली ये जो पेज है ये आपको दिखने लग जाएगा। ओके, ये मेरा एग्जिस्टिंग को ये दूसरा आ गया, तो मैं यहाँ से स्विच कर लेता हूँ। ये मेरा दूसरा एक अकाउंट आ गया, यू कैन सी बहुत सारे अकाउंट्स हैं मेरे पास। सो यहाँ पे जो है हमने स्विच कर लिया, तो अभी मेरा जो है यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ न्यू गूगल अकाउंट पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू गूगल अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी मेरे पास में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जब भी आप कोई नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है कि आपको जो है ना यहाँ पे न्यू कैंपेन एक सेट करना पड़ता है। तो अभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कि आपका जो टास्क है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट पे मुझे सेल्स एंड साइन अप चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद में आपको ये पूछ रहा आपका बिजनेस का नाम क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल TGM अकैड, और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये पूछ रहा है आपका जो है जो आपकी एड कैंपेन होगा उस पर क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाएंगे, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे tgminfotech.com जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो एक आपके पास में वेबसाइट या ऐप जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं वो आप लिंक यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद जो है यू कैन सी इट इज स्कैनिंग माई वेबसाइट। तो ये मेरी वेबसाइट को स्कैन कर लिया इसने, ये कुछ इस तरह की दिखेगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना तो यू कैन सी आपसे जो है यहाँ पे कैंपेन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सारी डिटेल वगैरह आपका जो है हेडलाइन 1 हेडलाइन 2 ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल के अंदर। मैं यहाँ पे मेरा नंबर डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद जो है ये आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड आपको चाहिए है। तो मेरे को यहाँ पे वेब सॉल्यूशन चाहिए है, से फॉर एग्जांपल वेब डिजाइनिंग सर्विसेज चाहिए है, आईटी कंसल्टेंट, जो भी आपकी सर्विस से रिलेटेड है, जो भी आपके एड कैंपेन से रिलेटेड कीवर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं भी करते हो तो आप सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, बाद में आप जो अपना खुद का बनाएंगे वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे को सिर्फ जोधपुर चाहिए तो मैं जोधपुर ले लेता हूँ, और आप अगर मान लो जो भी आपकी सिटी है तो आप अपनी सिटी का नाम डाल सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंदौर लिखता हूँ तो ये इंदौर आ गया। अगर मुझे इंडिया चाहिए तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, तो टाइप करता हूँ यू कैन सी इंडिया आ गया। तो जो भी आपका लोकेशन है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें या उसका जिप कोड डाल दें तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है आपका बजट पूछ रहा है कि बजट आपका जो है क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप खुद का बजट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। तो खुद का बजट मैं इससे फॉर एग्जाम्पल मैं 100 लिख देता हूँ,
और यहाँ पे जो है आपका कंटिन्यू चाहिए आपको या फिर आप एंड डेट सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे जो है कंटिन्यू रन पे क्लिक कर देता हूँ या फिर सेलेक्ट डेट करके हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल अप्रैल आ गया, अभी मार्च चल रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है एक काम करते हैं 1 अप्रैल का ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में जो है पूरा का पूरा कैंपेन जो है रिव्यू करने के लिए बोल रहा है, तो जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, इसमें कोई ज़्यादा आपको लगाने की जरूरत नहीं है दिमाग, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सा काम है। इसके बाद में आपका जो है यहाँ पे पूछ रहा है आपके कंट्री कौन सी है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, जो आपको अगर कोड आ चुका है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे प्रोमो कोड और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो 2000 का जो ऑफर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्रेडिट। अब आपका जो है अकाउंट टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मांग रहा है कि आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपको पेमेंट करनी होती है स्टार्टिंग के अंदर, और मिनिमम जो है 500 रुपीज आपको डालने पड़ते हैं। यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं 100 करता हूँ तो ये जो है यहाँ पे बोलता है कि मिनिमम एटलीस्ट 500 रुपीज चाहिए, तो मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ और मेरा कार्ड का डिटेल वगैरह डाल के, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आगे साइन अप करूंगा, यहाँ पे आई एग्री पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, राइट। और उसके बाद जो है पेमेंट आपका डन हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट डन होगा उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो मैं आगे बताता हूँ। अभी पेमेंट करने के बाद यू कैन सी आपके पास में इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे यू कैन सी लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर डन। अब आपको यहाँ पे एक्सप्लोर योर कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आपके सामने जो है आपका अकाउंट के अंदर आप लॉग इन हो चुके हो, तो यू कैन सी यहाँ पे आपके सामने जो है सेटअप कन्वर्सेशन वगैरह ये जो है बहुत कुछ चीजें बोलेगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पे जाके आप सेटिंग के अंदर जो है यू कैन सी अभी हमारे पास जो गूगल पे यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, राइट, तो हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है, राइट, ये कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑल कैंपेन पे जाएंगे तो भी यू कैन सी यहाँ पर जो है आपके पास में कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इसको एडवांस लेवल का देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग पे क्लिक करना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, राइट। यहाँ पे दो मोड होते हैं, एक आपका जो है नया एंट्री लेवल जिनको कुछ नहीं आता है, तो बेसिकली जो नए लोग क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट उनको नहीं पता होता, तो वो लोग यहीं पे काम करना स्टार्ट करते हैं, विच इज नॉट गुड। आपको यहाँ पे स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टे ऑन अ स्मार्ट, ये जो है स्मार्ट मोड बोलते हैं इसको बोलो, राइट। हम लोग यहाँ पे एक्सपर्ट मोड पे चले जाएंगे। जैसे ही हम एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे कुछ आपके पास में यूक्रेन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपको एक नोटिफिकेशन दिया कि अगर वहाँ का कुछ भी आपका कंटेंट होगा तो डेफिनेटली आपकी ऐड रिजेक्ट कर दी जाएगी, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्विच न्यू पे आपको क्लिक करना है, तो नाउ यू कैन सी आपके पास में एक्सपोर्ट मोड जो है वो आ चुका है, राइट। अब यहां तक जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो यू कैन सी यहां पे अगर क्लिक करते हैं तो ये आपका कैंपेन जो है वो बन चुका है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए इस कैंपेन को जो है मुझे क्या करना है, अगर बंद करना है तो मैं यहां से बंद कर सकता हूं, जो भी मुझे यहां पे टास्क परफॉर्म करना है आई कैन डू दैट, राइट। सो ये यहां से जो है आप सारी चीजों को देख सकते हैं, राइट, यहां पे आपके कैंपेन कौन कौन से चल रहे हैं। तो मुझे अभी कैंपेन नहीं चलाना है तो मैं यहां पे पॉज कर सकता हूं या फिर रिमूव कर सकता हूं। खैर आगे हम लोग जो है बहुत डिटेल में देखेंगे, आज हमने जो सिर्फ एक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और क्रिएट करके इस तरह के लेआउट में किस तरह से आना है ये आप लोगों को यहां पे मैंने पूरा बताया। यू कैन सी आपके सामने ऑप्शन जो है वो काफी सारे आ चुके हैं, पहले सिर्फ 3 ऑप्शन थे, अब काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीज हो गए। तो अभी आप लोगों को क्या करना, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इसी तरह से आपको जो है पूरा का पूरा अकाउंट अपना सेटअप कर लेना है और फिर आगे जो है वन बाय वन स्टार्टिंग से लेके एकदम एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे। तो चलिए आई होप कि गाइस आप लोगों को ये जो पूरा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आप गूगल ऐड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर दें, सो दैट कि बाकी जो लोग हैं उनको भी जो है इसके बारे में पता चले और वो भी गूगल ऐड एक्सपर्ट बन सके फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। सो गाइज आई होप कि आपको जो है अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से 2000 रुपीज को क्लेम करना है ये आपको पता चल गया होगा। तो चलिए जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसमें कंटिन्यू हम लोग जो है सीरीज आती रहेगी। तो वीडियो को जो है आप लोगों को पूरा कंप्लीट देखना है अगर आप लोग गूगल एड्स को पूरा 100% सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ में इस चैनल के ऊपर में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलता हूं एक अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।